हे गाइस, वेलकम टू ऑटो रिव्यूज। आप सब लोगों को आज एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे एक और एक नए वीडियो पर। दोस्तों, आज मैं आया हूँ टाटा मोटर्स पे। दिस इज़ अ कृष्णा कार वर्ल्ड विच इज़ लोकेटेड एट खड़गपुर। आज हम लोग बताएंगे टाटा कर्व के बारे में। बेसिकली कर्व का कोई ये रिव्यू या कोई वॉकअराउंड नहीं होगा। आज मैं आपको बताऊंगा ऑन दिस वीडियो कि इस गाड़ी में आपको जो रात में ये गाड़ी कैसा लगता है एंड हेडलाइट रिस्पॉन्स इस गाड़ी का कैसा है। तो काफ़ी लोग है जो रात में हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं। शहर पे बहुत सारा जगह होता है, अंधेरा का जगह होता है जहाँ पे वो ये गाड़ी जब खरीदेंगे तो लेकर जाएंगे। तो आज मैं एक ओवरऑल राइट रिस्पॉन्स एंड साथ में गाड़ी का इंटीरियर जो रात में कैसा दिखता है, कैसा खूबसूरत इंटीरियर यहाँ पे लगता है रात में, वो आज हम लोग दिखाएंगे। तो बेसिकली वीडियो शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। मेरा नाम है अनंग शालदर, आप देख रहे हैं ऑटो रिव्यूज का यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, हियर इज द कार। दिस इज द 2024 टाटा कर्व एंड ये जो वेरिएंट आप लोग, दिस इज अ डीजल वेरिएंट, 1.5 लीटर का डीजल इंजन है, ये वही वेरिएंट है। एंड सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको वही सेम कनेक्टिंग टेल कनेक्टिंग जो DRLs होता है वो आपको मिलता है। साथ में जो फंक्शन है वो आपको नेक्सॉन वाला, ये जो सारे फंक्शन यहाँ पे आपको दिया गया। तो चाबी को एक बार देख लेते, चाबी आपको दोनों रिमोट की मिलता है जहाँ पे आपको लॉक अनलॉक लाइट ओपन करने का एक बटन है, टेलगेट को ओपन करने का एक बटन मिलता है। तो चाबी आपको बहुत ही एक अनोखा डिज़ाइन के साथ इसका पूरा चाबी आता है। तो फर्स्ट जो चीज़ आपको मिलता है दैट इज़ द कनेक्टिंग DRL। तो इसमें आपको कनेक्टिंग DRL तो मिलता ही है, लेकिन आपका वेलकम एंड गुड बाई फंक्शन भी यहाँ पे दिया गया। तो सबसे पहले मैं वेलकम फंक्शन दिखा देना चाहता हूँ। तो ये जो आप लोग देख रहे हो दैट इज़ द वेलकम फंक्शन, जो काफ़ी ज़्यादा एक खूबसूरत सा मतलब एनिमेशन है। एंड अगर आप लोग गुड बाई फंक्शन की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये सेम फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग देख सकते हो, काफ़ी सुंदर सा एक एनिमेशन यहाँ पे हुआ। एंड सब उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे इस गाड़ी का हेडलैम्प्स, तो हेडलैम्प्स की बात करेंगे तो हेडलैम्प्स आप लोग देख सकते हो कि आपका पूरा कनेक्टिंग DRLs तो आपको ऊपर देखने को मिलेगा। साथ में आपका जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पे दिया गया, तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को। नीचे आपको फॉग लाइट्स मिलता है, तो लाइट आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा खासा लाइट यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है। तो लाइट मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा। नीचे आपको फॉग लाइट्स मिला, वो भी आपको LED में ही दिया गया। एंड ये था गाड़ी का कुछ फ्रंट लुक। एंड जैसे ही मैं रियर पे जाऊंगा, मतलब रियर पे तो टेल लैम्प्स वगैरह मिलता है, लेकिन साइड पे अगर आप लोग देखेंगे तो दरवाजे पे भी आपको एक छोटा सा लाइट मिलता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये छोटा सा लाइट काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फीचर है। मतलब अंधेरे के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा काम आता है ये लाइट, बिकॉज जब कोई गाड़ी खड़ी करके चला जाता है अंधेरे में, उसको गाड़ी जब अनलॉक करना है वो दरवाज़ा ढूंढ नहीं पाते कुछ, अगर ऐसा टाइप का कोई डोर हैंडल मिलता है तो जैसे वो अनलॉक कर देंगे तो ये लाइट तुरंत ही जल जाएगा। तो आप लोग ईजिली अपना डोर हैंडल को एक्सेस कर सकते हो। तो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं इस गाड़ी के रियर की तरफ। रियर पे देखेंगे तो रियर पे तो इसको एक पूरा कूपे जैसा डिज़ाइन तो मिल ही जाता है भाई, आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। और उसके साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको वेलकम एंड गुड बाई फंक्शन मिलता है। तो मैं एक बार वेलकम फंक्शन दिखा देता हूँ। तो वेलकम फंक्शन आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा ये एनिमेशन रियर पे भी हो गया है। एंड गुड बाई फंक्शन की बात करें तो गुड बाई फंक्शन आपका कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो गाइज, यही था फ्रंट एंड रियर का वेलकम एंड गुड बाई फंक्शन। अभी अगर आप लोग टेल लैम्प्स की तरफ देखेंगे तो जो टेल लैम्प्स है, टेल लैम्प्स आपको पूरा कनेक्टिंग टेल लैम्प्स यहाँ पे आपको दिया गया है। एंड LED टेल लैम्प्स ऑब्वियसली है, ये यहाँ पे कोई शक नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो नीचे आपको इंडिकेटर्स एंड रिवर्स लाइट देखने को मिल जाए। आपका जो इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स भी आपके टेल लैम्प्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। अभी अगर आप लोग बात करेंगे इसके टेल गेट के बारे में, तो टेल गेट भी यहाँ पे आपको, मतलब जो इसका जो टेल गेट है ये आपका इलेक्ट्रिकली टेल गेट है। तो देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है जब आप लोग चाबी को थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करेंगे। एंड यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे भी आपको दो लाइट मिलता है। बूट में अनफॉर्चुनेटली आपको एक हैलोजन लाइट मिलता है। आई थिंक टाटा ने इस गाड़ी को इतना एडवांस किया तो आई थिंक यहाँ पे आपको एक LED लाइट देना चाहिए था, अब टाटा ने नहीं किया, क्या कर सकता है, ठीक है। बट ये भी आपको एक लाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल अभी इस टेलगेट को कर देते हैं बंद। एंड जो मेन चीज़ जो है इस गाड़ी का इंटीरियर, इंटीरियर पर जाके मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये आप लोग देख सकते हो कि आपका लाइट यहाँ पे ग्लो हो रहा है। एंड इंडिकेटर्स तो आपको मिल ही जाता है यहाँ पे, आप लोग इंडिकेटर पेडल लैंप्स इस गाड़ी में नहीं मिलता अनफॉर्चुनेटली। एंड अभी फिलहाल हम लोग जाएंगे इस गाड़ी के अंदर, सो लेट्स गो। एक सेकंड, मैं गाड़ी को अनलॉक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी आपको इल्यूमिनेशन स्विचेस वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, मतलब डोर्स पे आपका जो रीडिंग लैंप है वो आपका LED में मिलता है। तो एक बार मैं अंदर जाके आपको दिखा देता हूँ। तो ये हम लोग आ गए इस गाड़ी के अंदर, आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। तो अभी फ़िलहाल कर देते हैं दरवाजे को बंद। एंड गाड़ी का जो मतलब इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है वो आपका यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, जैसे ही मैंने दो बार प्रेस किया तो यहाँ पे ये पूरा एनिमेशन आ गया। एंड
यहाँ पे एक सेकंड मैं एक बार और प्रेस कर देता हूँ। तो ये देख सकते हो ये आपका डिस्प्ले का कुछ एनिमेशन, यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मतलब इंफोटेनमेंट सिस्टम का को पूरा आपको यहाँ पे दिख गया। सबसे पहले ओके थैंक यू, ओके थैंक यू। एंड यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील की तरफ देखेंगे तो स्टीयरिंग व्हील आपका पूरा इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील मिलता है, फोर स्पोक स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे आपको दिया गया, जहाँ पे जो बीच में आपको टाटा का लोगो इल्यूमिनेटेड तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका मीडिया कंट्रोल देखने को मिलता है ऑन द लेफ्ट साइड, ये भी आपको सारे स्विचेस इल्यूमिनेटेड देखने को मिलेगा। एंड लेफ्ट साइड की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल एंड एडीएस का कंट्रोल मिलता है, ये सारे स्विचेस भी आपको इल्यूमिनेटेड देखने को मिल जाता है। अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो आपको नया तरीके से बताने की कोई जरूरत नहीं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपका वही सेम क्लस्टर मिलता है जैसा आपको पहले आता था। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको काफी एक अच्छा सा ये मतलब ये व्यू प्रोवाइड कर देगा। एंड उसके बाद अगर आप लोग बात करेंगे यहाँ पे थोड़े से और चीज के बारे में जो आपको यहाँ पे मिलता है, वो है इस गाड़ी में आपको मूड लाइट मिलता है। तो देख सकते हो यहाँ पे आपको एक एमएल लाइट दिया गया, जो यहाँ पे रात में अगर मैं इस मतलब रीडिंग लैम्प को बंद कर दूंगा तो रात में भाई काफी ज्यादा एक सुंदर सा व्यू ये आपको प्रोवाइड कर देगा। आप लोग देख सकते हो इंटीरियर में काफी ज्यादा एक सुंदर सा मतलब एक व्यू ये आपको प्रोवाइड कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक फ्यूचरिस्टिक पार्ट भी है। एंड यहाँ पे नॉट ओनली डैशबोर्ड पे सिर्फ एमएल लाइट मिलता है, यहाँ पे आपका जो पैनोरामिक सनरूफ है सनरूफ के पास भी आपको मूड लाइट देखने को मिलता है। तो ये फिलहाल अभी लाल कलर में, इसका कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हो, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो सिंपली आप लोग मेन्यू बार पे जाएंगे, मेन्यू बार पे जाएंगे यहाँ पे मूड लाइट को जैसे प्रेस करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपका मूड लाइट का कलर ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कलर पूरा चेंज हो रहा था, आप लोग चाहो तो जिस कलर में चाहो उस कलर में यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे आप लोग वो बंद भी कर सकते हो, तो ये बेसिकली फ्रंट का ये एक्सेस कर सकते हो, फ्रंट से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ये रूफ का है, रूफ का अगर आप चाहो तो बंद कर रख सकते हो। एंड मतलब जो मतलब अगर चाहो तो बंद कर सकते हो, एल्स अगर वो चालू रहता है तो आपका कोई दिक्कत नहीं है तो आप चालू करके रख सकते हो, उसमें उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में आपका जो आयरबेम है, आयरबेम बेसिकली आपका ऑटोडेमिंग आयरबेम मिलता है, तो एक काफ़ी अच्छी बात है। फिलहाल अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको SOS का एक बटन मिलता है, साथ में यहाँ पे आपको एयरबैग का एक ग्लोइंग फंक्शन आपको दिखाएगा ऑन ऑफ जो है, फिलहाल एयरबैग ऑन है तो ऑन का इंडिकेशन दिखा रहा है। एंड अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो नीचे आपको इल्यूमिनेटेड स्विचेस मिलता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 360 डिग्री कैमरा देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो सेंट्रल लॉकिंग यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे आपका टेलगेट को ओपन करने का एक स्विच मिलता है, हैजर लाइट का स्विच, हिल डिसेंट कंट्रोल मिलेगा एंड फॉग लाइट का एक स्विच मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका AC का पूरा कंट्रोल देखने को मिल जाता है, तो इससे आप लोग और सिंगल डोर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में दिया गया, तो टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपको ब्लोअर को एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे AC रिलेटेड को स्विचेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे क्या थोड़ा सा अगर आप लोग नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जो ड्राइविंग मोड है ये भी आपको इल्यूमिनेटेड देखने को मिलेगा, तो इको नॉर्मल स्पोर्ट तीनों इल्यूमिनेटेड ड्राइव मोड आपको दिखा रहा है। एंड यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड आपको देखने को मिल जाता है। एक और चीज़ जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो है, मैं आपको थोड़ा सा निकाल के दिखा देता हूँ, ये है जो वेंटिलेटेड सीट्स का एक आपका इंडिकेशन दिखाएगा, ये भी आपको इल्यूमिनेटेड देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे एक और एक चीज़ जो इल्यूमिनेटेड होता है वो है आपका डोर हैंडल, डोर हैंडल का जो ऑटो रन ऑटो अप वाला फीचर जो कमांड है ये आपको इल्यूमिनेटेड देखने को मिलेगा। एंड मेन जो चीज़ है वो इसका हेडलैम्प, हेडलैम्प की बात करेंगे तो ये फिलहाल अभी बंद है, जैसे ही मैंने इसका हेडलैम्प चालू किया तो ये आप लोग देख सकते हो ये है फिलहाल लो बीम एंड ये हाई बीम, तो लो बीम हाई बीम एंड हेडलैम्प का जो थ्रो है, थ्रो मतलब एक स्ट्रेट पॉइंट पे हेडलैम्प जा रहा है बट काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा सा थ्रो ये आपको प्रोवाइड कर देगा। तो ये आप लोग देख सकते हो कि हाई बीम पे ये काफ़ी ज़्यादा एक पावरफुल हेडलैम्प हो जाता है। 360 डिग्री कैमरा देख सकते हो, 360 डिग्री कैमरा का व्यू भी काफ़ी अच्छा है, 3D व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग इसके फॉग लैम्प्स को ऑन कर देंगे ना, फॉग लैम्प्स आप लोग देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इसको फॉग लैम्प को एक बार ऑफ करके दिखा देता तो फॉग लैम्प जैसे मैंने ऑन किया तो ये थोड़ा सा और ब्राइट हो गया। सो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो लाइट है, लाइट आपको मतलब लो बीम तो मैंने आपको दिखा दिया था, पास लाइट में दिखा रहा था, हाई बीम की अगर आप लोग प्रॉपर हाई बीम की बात करें तो हाई बीम आपका कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लाइट है ऑब्वियसली मैं बोलूँगा। एंड साथ में गाइस यही था हेडलाइट का रिस्पॉन्स एंड इंटीरियर व्यू जो रात में बेसिकली दिखता है, तो रात में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा गाड़ी ये आप हो जाता है। सो गाइज अभी हम लोग बैठे हैं रियर के सीट पे, रियर सीट पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जो मैंने आपको फ्रंट पे दिखाया है, वो है यहाँ पे देख सकते हो कि जो चार्जिंग पोर्ट्स है, चार्जिंग पोर्ट्स भी आपको दोनों इल्यूमिनेटेड देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका दो सी टाइप चार्जिंग पोर्ट आपको मिलता है जो आपका इल्यूमिनेटेड मिलेगा। और एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो है जो ग्लव बॉक्स का जो एरिया है, ग्लव बॉक्स का एरिया एंड मतलब ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको एक लाइट मिलता है हैलोजन पे, तो ये भी आपको रात में एक अच्छा खासा विजिबिलिटी प्रोवाइड कर देगा। तो अभी चलते हैं इस कार के बाहर। सो गाइस
दिस वॉज माई डिटेल रिव्यू अबाउट द टाटा कर्व हेडलाइट रिस्पॉन्स एंड इंटीरियर, जो रात में कैसा लगता है। तो हेडलैम्प्स मैंने आपको दिखा दिया। ये वीडियो आज यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हम दोस्तों के साथ इन व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर कमेंट्स में। हमें जरूर बताएंगे आपको ये गाड़ी कैसा लगा, इस गाड़ी का हेडलैम्प्स बेसिकली आपका रिस्पॉन्स कैसा लगा, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दो फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू, टेक केयर एंड ड्राइव। से मिलते हैं कल फिर से नए वीडियो के साथ। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।